फाइनली अवतार 2 का ट्रेलर आ गया है और ये ट्रेलर देखने के बाद आप यही कहोगे मज़ा आ गया। ये मूवी आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है। इस मूवी में स्टोरी, करैक्टर, ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इस मूवी को लेकर आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है वो आपको पहले क्लियर रहता है कि आपको क्या देखने को मिलने वाला है। और जेम्स कैमरून की ये खासियत है कि वो आपको हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही देते हैं। इस मूवी को बनाने के लिए स्पेशल कैमरास का यूज़ किया गया है, तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जेम्स कैमरून इस मूवी को लेकर कितने ज़्यादा पैशनेट हैं। अवतार 2 के सारे पार्ट्स एक साथ लिख दिए हैं और ये आपको हर 2 साल बाद देखने को मिलेंगे। यानी कि आपको जो अवतार 2 है वो 2022 में अभी देखने को मिलने वाली है 16 दिसंबर को, और अवतार 3 आपको देखने को मिलेगी 2024 में, और अवतार 4 आपको देखने को मिलेगी 2026 में, एंड अवतार 5 आपको देखने को मिलेगी 2028 में। अवतार 2 को ज़्यादातर पानी के अंदर शूट किया गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है अवतार द वे ऑफ वाटर। इस मूवी को करने के लिए सभी को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई हो, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो या फिर बच्चे हो, ताकि हर सीन को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्माया जा सके। जैसा कि हमने बताया कि इसके ज़्यादातर जो सीन्स हैं वो पानी के अंदर शूट किए गए हैं रियली में। तो जेम्स कैमरून की इतनी सारी मेहनत को मिलाकर ये सारी मेहनत आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाली है, जो कि आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देने वाली है। तो तैयार हो जाइए फिर से पेंडोरा की दुनिया में जाने के लिए। ट्रेलर की शुरुआत होती है पानी के अंदर से, जहाँ पे कुछ पानी के अंदर के सीन्स दिखाए जाते हैं और कुछ क्रिएचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कहानी की शुरुआत 13 साल बाद होती है, जो कि ट्रेलर में दिखता भी है। जैक सुली के बच्चे हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, जो कि एक बड़े टाइम गैप को दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि कहानी बहुत आगे से शुरू होने वाली है। ट्रेलर में दिखता है जैक और उसकी बेटी आपस में बात कर रहे होते हैं। वो अपने पिता से कहती है कि आपको ये जानकर अजीब लगेगा कि मैं उसकी धड़कन सुन सकती हूँ। उसके पिता कहते हैं कि उसकी आवाज़ कैसी है, तो वो कहती है ज़बरदस्त। मूवी की कहानी में ह्यूमंस और नेचर का जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अवतार के पहले पार्ट में जहाँ जंगलों को और उनकी खूबसूरत वादियों को और क्रिएचर्स को एक्सप्लोर किया गया था, वहीं दूसरे पार्ट में आपको दिखने वाला है समुद्र के अंदर की खूबसूरत दुनिया और क्रिएचर्स, और बड़े बड़े क्रिएचर्स आपको कई फाइट सीन्स में देखने को भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा वॉर भी देखने को मिलने वाला है। अवतार 2 के ट्रेलर में दिखता है कि कैसे इसकी कहानी फैमिली वैल्यूज़ को दिखाना चाहती है, जो ट्रेलर में दिखता भी है, कैसे जैक हमेशा अपनी फैमिली को खुश रखने की कोशिश करता है। अवतार 2 की कहानी कहाँ लेकर हमें जाती है ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और 3D इफेक्ट्स का इस्तेमाल इसमें बहुत अच्छे से किया गया है, तो आप थिएटर्स में अपने चश्मे को संभाल के रखना, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे 3D सीन्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपको चौंका देंगे। ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा ये ट्रेलर बहुत ही मस्त है, और ये मूवी देखकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अवतार 1 से ज़्यादा मज़ा आपको अवतार 2 देखने में आने वाला है। अवतार द वे ऑफ वाटर का ट्रेलर देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, आपका क्या रिएक्शन था। और ये मूवी रिलीज़ होने वाली है 16 दिसंबर को, तो तैयार हो जाइए अपने टिकट्स पहले से बुक करके रखना, क्योंकि मुझे लगता है जो हाउसफुल यहाँ पे फुल ही जाने वाले हैं इस ट्रेलर को देखने के बाद। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।